सवेरा कुछ और ऑर्डर करना है तुमने? पता नहीं, मैंने कभी खाया नहीं है यहाँ से। तुम रेकमेंड कर लो कुछ। तो बहुत अच्छा लगेगा, उनका खाना बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट्स इनफ। और प्लीज सैलेड जरूर लाइएगा। किसी दिन आंटी को भी लेकर आओ ना यहाँ पर, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है उनका, वो कहाँ निकलती हैं कहीं। और प्लस कौन लेकर जाएगा उनको? अगर कोई बेटा होता तो फिर भी उनके साथ चली जाती, लेकिन और मैं हमेशा बिजी होती हूँ। सवेरा किस तरह की बातें करती, मैं भी तो उनके बेटों की तरह हूं। तुम प्लीज जाकर अपनी वालदा से कह देना, कभी किसी किस्म का कोई काम हो या कहीं आना या जाना हो, वो मुझे बिला झिझक मुझे फोन कर सकती। पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो तुमने सब कुछ कितना आसान कर दिया है। पता है, पहले मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी। थोड़ा सा भी ज्यादा काम आ जाता था तो मैं कहती थी कि कौन करेगा ये सब। लेकिन अब मैं बहुत रिलैक्स हो चुकी हूँ। और फिर किसी और पर भरोसा भी तो नहीं होता ना। कम ऑन सवेरा, किस तरह की बातें करती। खैर जल्दी से खाना खाते हैं और फिर चलते हैं कहीं, चलते हैं कहाँ? जहां आप कहें। आपके साथ तो हर सफर खूबसूरत है। पता है, तुम बातें भी बड़ी खूबसूरत करते हो, लेकिन सोच लो, जहां मैं कहूंगी वहीं लेकर जाओगे। आप हुक्म तो करें। ओके, तुम्हारे घर जाना है मुझे। क्या हुआ मताहिर, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें तो पता है कि मैं कब से तुम्हारे घर जाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बहुत दिल है तुम्हारी फैमिली मेंबर से मिलने का, और तुम्हारी दादी को भी अभी तक मैंने नहीं देखा। बड़ी अम्मा तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बिल्कुल ठीक हो गई, माशाल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी है अब। एक्चुअली सवेरा बात ये है कि मेरी फैमिली बहुत कंसर्वेटिव, अगर तुम इस तरह अपने घर लेकर जाऊंगा तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे, लेकिन लेकर जाऊंगा ना तुम्हें एक दिन, वादा है तुमसे। अच्छा पापा मूड तो ना ऑफ करो। एक्सक्यूज मी, चले अनिका। हाँ चले। तुमने साहिमा को बताया तो नहीं कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जा रही हो? मुझसे पूछ रही थी कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने कहा कि मेरा बहुत दिल कर रहा है अम्मी से मिलने के। अच्छा किया, पर यहाँ पर भी किसी से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे अनिका तुम कब आई? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आई और कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों? वो अनिका को अपनी फ्रेंड के घर जाना था भाभी जान, मैं उसको वहीं ड्रॉप करने जा रही हूँ। चलो अच्छा है, वैसे तुम कब आती हो कब जाती हो कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा। आपको मेरा इंतजार ही कब होता है? आप तो सिर्फ आत्मा का इंतजार करती। ये कैसी बात कर रही हो अनिका? भाभी जान माफी चाहती हूँ, पर क्या तो ठीक ही रही है। आप साइमा को फोन करती हैं और हमेशा फातिमा को बुलाती हैं, कभी आपने अनिका के लिए नहीं कहा, जबकि दोनों आपकी भतीजियां हैं, लेकिन आपने हमेशा फर्क किया है। ये कैसी बातें कर रही हो सुल्ताना? मैं जब भी साइमा को फोन करती हूँ सिर्फ इसलिए करती हूँ फातिमा के लिए कि उसकी माँ नहीं है जो उसे बुलाए। तुम तो खुद अनिका को बुला सकती हो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुम नाज नखरे उठाने के लिए हो तो। लेकिन फातिमा की तो ना माँ है ना बाप, अगर मैं नहीं उससे पूछूंगी तो कौन पूछेगा? वैसे होना तो ये चाहिए कि जब भी तुम अनिका के लिए फोन करो तो तुम्हें फातिमा को भी साथ में बुलाना चाहिए।
बात तो सिर्फ समझने की है और महसूस करने की। मेरे ख्याल से हमें देर हो रही है, चले चलो।